हेलो फ्रेंड्स, देखिए इससे पहले क्लास में हमने आपको ये फंदे डालना सिखाया था। फंदे डालने आपको आ गए होंगे। आज हम आगे बुनाई करना आपको बताएंगे। आज हम आपको सीधी सिलाई बनाना बताने वाले हैं। देखिए, बुनाई करते समय हमें दो सिलाइयां बनानी होती हैं, एक सीधी और एक उल्टी। जब हम सीधी सिलाई बनाते हैं उस साइड से इस तरीके की बुनाई आती है, और जब हम उल्टी सिलाई बनाते हैं तब उल्टी साइड से इस तरीके की बुनाई आती है। जब हम प्लेन बुनाई करते हैं तब एक सिलाई हमें सीधी बनानी पड़ती है और एक सिलाई हमें उल्टी बनानी पड़ती है, तब ये दोनों तरफ से इस तरीके से आता है। आज हम आपको सीधी सिलाई बनाना बताएंगे। और इससे पहले वाला जो फंदे डालने वाला वीडियो है और इससे आगे वाले जो वीडियो बनेंगे उनके सबके लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आपको जो भी वीडियो देखनी हो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख सकते हैं। चलिए फिर हम सीधे फंदे कैसे बुनते हैं ये बनाना बताते हैं। देखिए, सीधे फंदे बुनने के लिए हमें इस तरीके से पकड़ना होता है और सिलाई को देखिए इस तरीके से सीधा ही डालना होता है। इसे सीधी सिलाई इसीलिए कहते हैं, इसमें सिलाई को हमें सीधा रखना होता है। देखिए, इस तरीके से फंदे के अंदर डालेंगे और इस तरीके से निकालेंगे। फिर ये वाला जो ऊन का धागा है इसको हम इस वाली सिलाई के ऊपर लेकर और इस तरीके से इस सिलाई के ऊपर ले आएंगे, और इस वाली सिलाई में जिसमें फंदे हैं इसमें से हम निकाल देंगे। फिर नेक्स्ट वाले फंदे को भी इसी तरीके से डालेंगे और इस तरीके से हम ऊन डाल के इसको वापस निकाल देंगे। बहुत ही आसान तरीके से आपको बता रही हूँ, आपको बहुत जल्दी बनाना आ जाएगा। देखिए, ये ध्यान रखिए, सीधी सिलाई में हमें बिल्कुल इस तरीके से ऊपर की साइड में सीधी सिलाई रख के और इस सिलाई के अंदर ऊन डालेंगे और वापस इस सिलाई के ऊपर लेकर इधर वाला फंदा नीचे कर देंगे। इस तरीके से ही हमें ये सारे फंदे बनाने हैं। देखिए, बिल्कुल सीधी सिलाई डालते हैं और इस तरीके से फंदा, इस तरीके से वापस। ये देखिए, इस तरीके से डाला, ये ऊन हमने इस सिलाई के ऊपर लगाई और इस सिलाई के ऊपर ये फंदा आ गया। बहुत आसान तरीके से मैं बता रही हूँ, आपको बहुत जल्दी से बनाना आ जाएगा। जब हम ये सीधी सिलाई बनाते हैं, जब ये फंदे बुनते हैं सीधे, तो सीधी साइड से तो इस टाइप की फली आती है जैसी आ रही है, और यही फंदे उल्टी साइड से, इसी फंदे जो सिलाई में बुनना है वो उल्टी साइड से इस तरीके से दिखाई देते हैं जैसे ये दिखाई दे रहे हैं। और जब हम उल्टी सिलाई बनाते हैं तो तब जिधर से हम उल्टी बना रहे होते हैं उधर से इस टाइप के दिखाई देते हैं और पलट के इस टाइप के दिखाई देते हैं। इसीलिए यदि हम सारी सीधी बना लेंगे तब भी इस टाइप का नहीं आएगा और सारी उल्टी बना लेंगे तब भी नहीं आएगा। एक सिलाई हमें सीधी और एक सिलाई हमें उल्टी बनानी होती है। आज हम आपको सीधी सिलाई बनाना बता रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम उल्टी सिलाई बनाना बताएंगे। देखिए, इस तरीके से डाला, धागा डाला और निकाल लिया। जब आपको आ जाएगा तो आप बहुत जल्दी से बना सकते हैं। अभी आप धीरे धीरे बनाइए। यदि आपका धीरे धीरे बन रहा है तब भी आप फिक्र मत करिएगा, क्योंकि जब आप धीरे धीरे बनाना सीख जाएंगे तो आपको जल्दी बनाना भी आ जाएगा। देखिए, सीधी सिलाई में इस तरीके से सीधी डालते हैं इस नोक के जैसी ही ये नोक दिखाई देती है, और इसके अंदर इस तरीके से निकाल देते हैं। सीधी सिलाई बुनते समय धागा भी हमारा फ्रंट साइड होता है, सामने की तरफ, उल्टी साइड की तरफ हमारा धागा होता है, और सिलाई बिल्कुल सीधी रहती है। जैसे ये वाली है वैसी ये वाली रहती है। ये देखिए, इस तरीके से सीधी सिलाई आप बनाना
सीख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उल्टी सिलाई बनाना बताऊंगी, जब आपको सीधी और उल्टी दोनों सिलाइयां समझ में आ जाएंगी बनाना, तब आपका बिल्कुल इस तरीके से बहुत साफ बहुत प्यारा सा बुनाई करना आ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से आप सीधी सिलाई बना लीजिए। एक बार और धीरे से बता रही हूँ, ये जो फंदा है इसके अंदर इस तरीके से डालिए, ये नोक दोनों एक बराबर आ जाएं, आपको लगेगा कि हाँ ये नोक और ये नोक एक साथ है तो ये सीधी सिलाई है। उल्टी सिलाई में इस तरीके से नहीं आता है, सीधी सिलाई में बिल्कुल इस तरीके से सीधा डालिए, फंदा डालिए और निकाल लीजिए, ये आपकी सीधी सिलाई है। सीधी सिलाई आपकी कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट वाली सिलाई सीधी नहीं बनानी है, इसे उल्टी सिलाई जो कहते हैं उल्टी सिलाई बनानी है, तभी इस तरीके का आएगा। अब उल्टी सिलाई में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, यदि आपको ये सीधी सिलाई बनाना आ गया हो तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।